लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? आंसर बी गैल्वनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? आंसर ए श्वेत। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? आंसर CH2। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? आंसर सी पेट्रोल का जलना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आंसर बी उष्माक्षेपी। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? आंसर डी NO2 और O2। निम्न में से कौन सही है? आंसर बी Na2CO3 × 10H2O। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? आंसर सी 2KCIO3 + 2KCI + 3O2। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आंसर डी विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? आंसर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर ए उपचयन। Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर बी अपचयन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? आंसर बी विद्युत संयोजी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu+O2 / 2CuO। आंसर ए कॉपर का ऑक्सीकरण। निम्नलिखित समीकरण है H2+Cl2 / 2SCl। आंसर बी एक संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? आंसर सी AgNO3 + NaCl / AgCl + NaNO3। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? आंसर सी Fe+U SO4 / Fe SO4 + U। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? आंसर बी अविलय। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? आंसर सी H2+Cl2 / 2SCl।
निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? आंसर सी, CaO+2HCl एरो CaCl2+H2O। आई होप अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।